सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन फिर से करती हूँ। साथ ही नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हम फिर उपस्थित हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वैड की, QUAD क्वैड। आजकल बहुत चर्चा में है क्वैड, और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्वैड क्या है, ये क्यों एक संगठन है, तो ये क्यों बनाया गया, क्यों आजकल चर्चा में है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वैड क्या है, तो क्वैड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, इन चार देशों का एक उभरता संगठन है जिसका उद्देश्य चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाना है। अब क्वैड क्यों बनाया गया, चीन ने अपनी अति महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड जिसे OBOR परियोजना का नाम बदल दिया है, और उसने इस परियोजना का नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI कर दिया है। तो उसकी इस अवसरवादी योजना के मद्देनजर इन चार देशों मतलब जापान ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया और USA ने एक संयुक्त क्षेत्रीय ढांचा तैयार किया जिसे क्वैड कहा गया। ठीक है, क्वैड का विचार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा वर्ष 2007 में दिया गया था, लेकिन उस समय इस विचार से ऑस्ट्रेलिया सहमत नहीं था, जो कि ये विचार अब ऑस्ट्रेलिया के भी सहमत हो जाने पर पिछले वर्ष स्वीकारा गया। अब बात करते हैं कि क्वैड वर्तमान में चर्चा में क्यों है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार में जो कि ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू है, उसने कहा है कि क्वैड BRI का एक विकल्प होगा, क्योंकि BRI जो कि चीन के द्वारा बनाया गया एक परियोजना है। अब चारों देशों ने इंडियन ओशियन सिक्योरिटी के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि चारों देश समय समय पर इकट्ठे होंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक रणनीति तैयार करेंगे और उस रणनीति का क्रियान्वयन की योजना भी बनाएंगे। अखबार के अनुसार क्वैड BRI का विरोध नहीं करता बल्कि उस पर अंकुश लगाता है। क्वैड का क्या लाभ होगा, चारों देशों की साझेदारी यानी कि जिन चार देशों ने मिलकर ये गठबंधन किया है, उन चारों देशों की साझेदारी वैश्विक शक्ति समीकरण पर गहरा असर डाल सकती है। दूसरा लाभ ये होगा कि ये देश एक दूसरे के हितों की रक्षा के साथ साथ परस्पर समृद्धि में भी योगदान करेंगे। तीसरा, चीन की विस्तारवादी नीति इन चारों देशों को प्रभावित करती है, इसलिए इनका एकजुट होना आज के समय की मांग है। चारों देश चाहते हैं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मैराइन ट्रेड बिना किसी रुकावट के चलते रहे, और चीन इन महासागरों पर अपना आधिपत्य ना बना पाए, इसलिए ये संगठन बनाया गया, ये गठबंधन किया गया। चीन भले ही ये कहे कि परियोजना का लाभ विश्व के सभी देश उठा सकते हैं, लेकिन चीन की जो नीतियां और रीतियां रही हैं उससे उसके इरादे हमेशा ही संदेह के घेरे में रहते हैं। ऐसे में ऐसी परियोजना का आकार लेना बहुत जरूरी हो गया जो मध्य एशिया के तेल और गैस भंडारों का और पूर्वी यूरोप बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित बनाए रख सके। इसके दो रास्ते हैं, एक तो पाकिस्तान होकर जो जाता है और जो दूसरा ईरान होकर जाता है, लेकिन पाकिस्तान वाले रास्ते से ये दिक्कत है कि उस रास्ते पर चीन का कब्जा है, और ईरान वाले रास्ते से ये दिक्कत है कि वर्तमान में अमेरिका और ईरान के संबंध आपस में ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ये चतुष्कोणीय गठबंधन पूर्ववर्ती एशिया प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद प्रशांत संकल्पना की बात करता है, और ये गठबंधन सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच उस पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये क्वैड अभी बुनियादी ढांचा इसका तैयार किया गया है। अगर क्वैड पूरे तरीके से क्रियान्वित हो जाता है तो चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, जो उनकी महासागरों में सैन्य उपस्थिति है, उन पर अंकुश लग सकेगा।
क्योंकि चीन क्या करता है, कई बार छोटे छोटे देशों के साथ जो उस क्षेत्र में उस एरिया में पड़ते हैं, छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन कर लेता है, छोटे छोटे देशों को अपने में मिला लेता है। इस क्वेड के माध्यम से उन छोटे छोटे देशों को चीन में मिलने से रोका जाएगा और चीन की विस्तारवादी नीति को ये चारों देश मिलकर रोकने का प्रयास करेंगे, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में नई चर्चा, नए टॉपिक, नए बिंदु के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।